वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्वीट डिश रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है व्हाइट सूजी का हलवा। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ। आपको चाहिए होगी सूजी एक कटोरी, शुगर चाहिए होगा एक कटोरी, घी आपको चाहिए होगा, मैंने ये ऑलरेडी भिगला के रख लिया है। आपको चाहिए होगी मूंगफली, तो मैंने भून के रख ली है। कैशू नट्स में आप यूज कर सकते हैं, बादाम और रेजिन्स यूज कर सकते हैं, अखरोट यूज कर सकते हैं। मैंने बादाम और रेजिन्स ले लिए हैं। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, घी गर्म होने को रख देना है कढ़ाई में और इसे 2-3 मिनट के लिए गर्म होने दें। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूजी डालेंगे। लगभग गर्म हो गया है हमारा घी, अब हमने इसमें सूजी डालनी है। पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको व्हाइट सूजी का हलवा बनाना होता है तो जैसे आप उसे तेल में गर्म होने को डालते हैं तो आपको उसे जल्दी जल्दी से आपके कड़ची से रोटेट करना होता है ताकि वो ब्राउन ना हो। तो ये देखिए इस तरह से, और अब आप इसे जल्दी जल्दी रोटेट करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपने इस तरह से अपनी कड़ची चलानी है जिससे कि वो ब्राउन ना हो, और इसे अच्छे से आपको भूनना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए। कम से कम 5 मिनट का प्रोसेस रहेगा ये। चाहे तो आप ज्यादा घी भी यूज कर सकते हैं। जो लोग कम घी पसंद करते हैं वो कम घी में भून लें। ध्यान रहे इसको आपको स्लो गैस पे भूनना है, तेज कर देंगे गैस तो ये ब्राउन हो जाएगा। इसी तरह से आपको कड़छी चलाते रहना है। जब आपका ये थोड़ा सा जो सूजी का हलवा है ये जब आपका महकने लग जाएगा, अच्छी अच्छी सी स्मेल देने लग जाएगा, दैट मीन्स कि ये हो गया है। और अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने चीनी डाल लेनी है, अपने स्वाद अनुसार डालें। वैसे तो ट्रिक ये रहती है कि जितना आपका सूजी रहता है क्वांटिटी, उतना ही आपका शुगर का क्वांटिटी रहता है। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करें। अब आपने इसमें वाटर की क्वांटिटी ऐड कर देनी है इस तरह से। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा कच्चा रह जाएगा तो थोड़ा ज्यादा वाटर ऐड करके इसे पकाएं। इसी में आपने आपके कैश्यू नट्स भी डाल लेने हैं इस तरह से, और भुनी हुई मूंगफली, और आप और भी जो भी नट्स ऐड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप जो मर्जी नट्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब आपको इस तरह से इसे चलाते रहना है। मैंने आपको कहा था अगर आपको लग रहा हो कि सूजी का हलवा कच्चा रह गया है तो उसे आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके ढक सकते हैं। और इस जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा आप इसे निकाल सकते हैं। ब्राउन हलवे के कंपैरेटिवली व्हाइट सूजी का हलवा बनाना ज्यादा टफ रहता है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और तेज आंच करके भी पका सकते हैं। जितना आप कड़ची इस तरह से चलाएंगे उतना ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। लगभग डाकिश हो चुका है। देखिए आपका लगभग ये ड्राई हो चुका है। ये सूजी के दाने बिल्कुल आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे इस तरह से। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इस तरह से
गार्निश करना है कैशू नट्स के साथ, गार्निश करेंगे कैशू नट्स के साथ। और ये आपका व्हाइट सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी स्वीट डिश की रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।